दोस्तों, मेरे चैनल में आपका स्वागत है। आज मैं इस वीडियो में आपको बताऊंगा कि पासवर्ड को अलार्म पैनल का जो पासवर्ड होता है इसको कैसे चेंज करते हैं, या इसको जैसे कोई बाहरी आदमी अगर छेड़छाड़ करता है तो इसको चेंज कर देना अच्छा होता है, नहीं तो वो उसमें डिफॉल्ट बार बार कराते रहेगा। तो इसलिए पासवर्ड चेंज करने के लिए ये वीडियो है, कैसे पासवर्ड चेंज करते हैं। आइए अब हम देखते हैं कि कैसे पासवर्ड चेंज किया जाता है अलार्म पैनल का। ये नोटिफायर का अलार्म पैनल है। तो मेन मेनू में गएंगे, मेन मेनू को प्रेस कर दिए, उसके बाद प्रोग्राम अलर्ट स्टेटस में का जो डिफॉल्ट पासवर्ड है, जो पहले से हमें मिला हुआ है, वो पासवर्ड डाल देंगे इसमें, जिसको मास्टर पासवर्ड भी बोलते हैं। इंटर कर दिए। अब यहाँ इस ब्लैक बटन को, पैनल प्रोग्राम मेनू का ब्लैक बटन को दबा देंगे, प्रेस कर दिए। उसके बाद यहाँ से मोर में जाएंगे, यहाँ मोर जो दिख रहा है, ये मोर पे मोर को प्रेस कर देंगे। मोर वाले बटन को दबाने के बाद अब देखिए यहाँ पासवर्ड चेंज लिखा हुआ आ रहा है, ये इसमें पासवर्ड चेंज लिखा हुआ आ रहा है, तो इसमें हम इसको प्रेस करेंगे। इसको प्रेस करने के बाद मास्टर पासवर्ड के बारे में बोल रहे थे, जो हमें पासवर्ड पैनल के साथ दिया हुआ रहता है, जो आता है उसके साथ 00 बाय डिफॉल्ट पासवर्ड आता है, जो वही मास्टर पासवर्ड कहलाता है। इसको हम दबा देंगे 00, जो हमारा पासवर्ड है वो दबा दिए। उसके बाद यहाँ इंटर बटन है, ये इंटर बटन को प्रेस कर देंगे। उसके बाद फिर यहाँ पे इसको चेंज करने के लिए जो पासवर्ड आएगा उसको दबाएंगे, जो हम पासवर्ड रखना चाहते हैं वो दबाना है इसमें। तो इसको हम 11 रखेंगे, 8 times 1 रखेंगे, तो इसलिए हम 8 बार 1 दबाते हैं। ये आ गया, फिर से दोबारा इंटर कर देंगे इसको। इंटर करने के बाद पासवर्ड डू नॉट मैच हो गया, यानी पूरा डू नॉट मैच मतलब पहले वाला पासवर्ड और अभी वाला पासवर्ड मेरा मैच नहीं हो रहा है, तो इसलिए इसको बोल रहा है कि डू नॉट मैच, ओके है मतलब हमारा पासवर्ड, यानी हमारा जो 1 है 8वां टाइम्स ये हो गया है, हमारा पासवर्ड चेंज हो गया है। तो ये जो हम पासवर्ड चेंज किए हैं वो वाला पासवर्ड डाल देंगे इसमें, अब इंटर पासवर्ड में जो चेंज किए हैं, तो वो वाला पासवर्ड डाल दिए। डालने के बाद इंटर कर देंगे, फिर री इंटर पासवर्ड, यानी जो हम नया पासवर्ड डाले हैं उसको फिर डालेंगे इसमें, इंटर कर दिए। अब यहाँ एक्सेप्ट है, इसको एक्सेप्ट कर देंगे, अब हमारा पासवर्ड चेंज एक्सेप्टेड। इस तरह से पासवर्ड चेंज हो गया है हमारा। अब हम दोबारा कैसे इसको देखते हैं कि हमारा हुआ है कि नहीं हुआ है। पूरा बैक चले जाएंगे 00 से, हमारा पासवर्ड चेंज हुआ है कि नहीं। देखिए जैसे हम 1 डाल रहे थे पासवर्ड, 8 बार 1, तो हम ये 8 बार 1 डाल करके देखते हैं कि ये चेंज हुआ है कि नहीं, यानी ये हमारा पासवर्ड चेंज हो गया है। थैंक यू दोस्तों, वीडियो को मेरा लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और शेयर भी करिए।